रणबांकुरों की धरती राजस्थान इतिहास को अपनी धरा में समोए इस प्रदेश की संस्कृति, खान पान और जीवन परिवेश अनमोल हैं। पर्यटन की दृष्टि से इस रंग रंगीले राज्य का जादू सैलानियों के सिर चढ़कर बोलता है। देश को प्रगति और विकास देने के लिए प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सतत रूप से प्रयासरत हैं, जिसमें उन्हें सहयोग प्रदान कर रहे हैं केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी। आज राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक दिन है, जब राजस्थान की तरक्की के नए मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। आज 1127 किलोमीटर 8500 करोड़ रुपए की लागत वाले 18 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। उनमें से कुछ परियोजना है, राजधानी जयपुर की महत्वाकांक्षी रिंग रोड की 46 किलोमीटर लंबी सड़क की 6 लेनिंग का कार्य, जिस पर 1217 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये सड़क NH21 आगरा और NH48 अजमेर सड़कों को मिलाकर टोंक और मालपुरा को जुड़ाव प्रदान करेगी, जिससे भारी ट्रैफिक जैम से छुटकारा भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त NH148 एवं NH23 पर दौसा लालसोट कौथुम सेक्शन पर 881 करोड़ रुपए की लागत से बनी 83 किलोमीटर लंबी राजमार्ग, इससे दौसा टोंक और जयपुर के बीच बेहतर संपर्क तो स्थापित होगा, साथ ही समय भी बचेगा। भारत माला परियोजना के अंतर्गत NH70 पर मुनाबाव सुंदरा म्याजलार धनाना असुतार घोटारू तनोट सेक्शन पर 1684 करोड़ रुपए की लागत से 274 किलोमीटर दो लेन के साथ पेव्ड शोल्डर। ये राजमार्ग सीमा पर बसे भारतीय गांवों को जोड़ेगा, साथ ही सामरिक मदद भी प्रदान करेगा। इसी प्रकार से NH925 पर गगरिया बौरी कला सेरवा साता बाखासार से गांधव के बीच 1134 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 197 किलोमीटर लंबा राजमार्ग। NH325 पर बाईपास सेक्शन के अलावा बलोतरा संदिराव सेक्शन पर कुल 90 किलोमीटर निर्माण, कुल लागत 474 करोड़ रुपए। NH927A पर 22 किलोमीटर लंबे वाजवाना बांसवाड़ा सेक्शन पर 97 करोड़ रुपए लागत के राजमार्ग का निर्माण। NH12 पर 621 करोड़ रुपए की लागत से 34 किलोमीटर लंबे कोटा दोराह सेक्शन का निर्माण। NH709 एक्सटेंशन पर 55 किलोमीटर लंबे राजगढ़ हरियाणा सीमा पर 164 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य। NH65 पर 156 करोड़ रुपए की लागत से 19 किलोमीटर नागौर बाईपास का निर्माण। इन भारतमाला परियोजनाओं से सड़क कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ईंधन की बचत होगी, दुर्घटनाओं में कमी होगी, रोजगार बढ़ेगा, औद्योगिक कृषि परिवहन और पर्यटन क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा और सीमा पर सशस्त्र बलों और गांव को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। राजस्थान को उन्नति की रफ्तार देने व विकास की मंजिल पर पहुंचाने वाली इन परियोजनाओं का प्रकाश प्रदेश के भविष्य को उज्ज्वल बनाएगा व समृद्धि का नया कीर्तिमान बनेगा।